अभी आप टेस्ट सीरीज में हाँ, मैं क्रैश कोर्स का टेस्ट सीरीज में ले गया हूँ और ये पुराना टेस्ट है, ये तो शायद यही वाला पेपर था ना तुम्हारा, टेस्ट ए दिखा रहे थे, यही टेस्ट दिखा रहे थे तुम मैम, आईआर का दिखा रहे थे मैंने, ये टेंट आउट होता ही था वो था, मैं पेपर भर नहीं पा रहा था। तुम अभी क्रैश कोर्स में हो, पिछली बार भी आपने मेंस दिया? नहीं मैम, पिछले बार ये फर्स्ट मेंस है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फोर्थ अटेम्प्ट है, और कोई स्टेट कहीं भी लिखे नहीं है आप, और टेस्ट सीरीज कब सब कब कब किया था? टेस्ट सीरीज मैम लास्ट ईयर का जो आंसर राइटिंग का जो 17 टेस्ट का है वो मैंने पूरा किया था, क्रैश कोर्स किया था। तो मार्क्स कैसे आते थे मैम? मार्क्स जो टेस्ट है जो मैंने जो नहीं खेला था तब दिया था, पेपर वन पेपर टू, वहाँ पे क्यूमुलेटिवली पेपर वन में 125 आया था, पेपर टू में 135 आया था। अभी आपको दिक्कत क्या लग रही थी? मैम वैसे दिक्कत तो कुछ है नहीं, मतलब प्रिपरेशन के लिए बस वाइज कंप्लीट हो गया, मैं आंसर भी लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मुझे बता नहीं कि हम मैं क्या जानना चाहता हूं कि अगले 2 महीने कैसे उसको, अगले 2 महीने पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट के सिलेबस के अनुसार से आप टेस्ट दो, लेकिन जो हम क्रैश कोर्स में करा रहे हैं उस पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ज्यादा चीजें है ना, उसको ही घर जाकर के बोल बोल के पढ़ो, हैं? बोल बोल के फिर दिमाग में कंसंट्रेशन भी होता है और थोड़ा दिमाग में कुछ आइडिया भी सेट होता है। नेक्स्ट है जीएस का भी आप करते हैं, जीएस में अभी हम लोग टेलीग्राम में भी यहाँ की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स कुछ अपलोड किए, देख लेना टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि हर चीज जीएस में भी तुम अगर कुछ दिखाना चाहते हो तो यहाँ ले आना है, यहाँ पे हम भी देख लेंगे। इधर भगवान भगवान है, सौरभ है, ये लोग भी देख लेंगे, है ना? ऐसे करते हो मतलब यहाँ से नहीं करता, ऐसे कहीं कर रहे हो? हाँ, क्योंकि ऐसे इज इम्पोर्टेंट, तो पॉल साइंस बस इतना करो, ये दिखाना है तो यहाँ पे आ जाना, हम लोग दिखा लेंगे। अब क्वेश्चन, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फॉर स्टडीइंग 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वॉज लिमिटेड इन इट्स स्कोप। देखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये लिख दिया तो ठीक है, लेकिन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स में पहले डिसाइड किया जाता है कि हमें बेसिक कंटेंट क्या क्या लिखना है, उसके बाद इन चीजों के लिए समय बचता है तभी लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन का पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज यही होता है कि हम कोर और पेरिफेरी के अंतर को समझें, कोर क्या है पेरिफेरी क्या है, पेरिफेरी को हम हटा पाए और कोर लिखें, क्योंकि जिस चीज को हमको 200-250 शब्दों में हमें लिख सकते हैं अभी हम उसको 100 ही शब्दों में लिखना है, तो हर चीज का एक पर्पस। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन कब डिसाइड कर पाओगे? सिस्टम्स अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच में एसेंशियल क्या है? हु हैज गिवन व्हाई, अगर बुक याद है उसके की फीचर्स, और फिर जल्दी से लिमिटेशन पे आना है, लिमिटेशन। इसी में आपके 100 वर्ड ज्यादा हो जाएंगे फिर आप पेपर नहीं खत्म कर पाएंगे, है? जैसे इनका पेपर था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिमिटेशन ही डायरेक्ट लिख दी, इन्होंने सिस्टम नहीं लिखा, है ना? तो दो आपको ये एसेंशियल है, ये सोचो क्या बेयर एसेंशियल है, लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या चीज सेकेंडरी है जिसको छोड़ के भी काम चलने वाला है,
तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हम स्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम्स अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल मेथड, इट इज एन अल्टरनेटिव टू द लीगल इंस्टीट्यूशनल मेथड, इट वॉज गिवन बाई डेविड ईस्टन. द सेलियंट फीचर्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोचेस टू सी पॉलिटिकल सिस्टम इन अ सिस्टमिक व्यू मीन्स इंटरकनेक्टेड यूनिट्स रादर देन इंडिपेंडेंट यूनिट्स. एंड सिस्टम्स अप्रोच इज बेस्ड ऑन द और सिस्टम्स अप्रोच टॉक्स अबाउट पोलिटिकल सिस्टम. पोलिटिकल सिस्टम टॉक्स अबाउट दिस. फिर सिस्टम अप्रोच इज क्रिटिसाइज बाई ट्रेडिशनलिस्ट एंड बिहेवियरलिस्ट. पहले स्ट्रक्चर लिख लो. तो अब ये है, फादर वादर वाले का स्कोप नहीं है अपने पास लिखने का, नॉट रिक्वायर्ड. ट्रेडिशनल कंपेरेटिव वॉज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ जस्ट वेस्ट. ट्रेडिशनल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स वॉज लिमिटेड इन इट्स स्टडी ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्ट वेस्ट. While the emergence of modern comparative politics since World War II was a systematic, broader, included perspective. अब ये सब जो sentences हैं, ये clear sentences नहीं बन गए हैं. Because you want to put lot of content. Maximum लोगों की problem ये देखी है कि वो सब कुछ लिखना चाह रहे हैं. तो वो क्या question में ऐसे करते हैं, राइट चैप्टर ऑन सिस्टम्स अप्रोच. वो तो एक स्पेसिफिक चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है ना. तो सब चीज इतना घुसा के अगर इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो समझ कैसे आएगा? छोटे सेंटेंसेस. कोई भी इंसान अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बैकग्राउंडर की इतनी लाइन देखेगा तो वो इरिटेट और हो जाएगा. तुम कैसे आई बताओ, मेरे से मिलने? हाँ बताओ क्या. इनके टाइम लगेगा बोली. कस कॉन्टेक्स्ट बताइए. सिस्टम्स अप्रोच इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अप्रोच. यहां से तो तुम कम से कम ढंग का लिखने लग गए. सिस्टम्स अप्रोच इज अ और ऐसी राइटिंग किस क्या है ये क्या है क्या ये लास्ट में करते हो तो थोड़ा लास्ट. लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन आप लास्ट में करते हैं. 10 मार्कर पहले करते हैं. क्यों? फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन. एग्जामिनर को थोड़ी बताएगा कि मैंने पहले ये वाला चेक करना है. एग्जामिनर तो यही चेक करेगा. ये भी लोग गलती करते हैं. फर्स्ट में ही तो ज्यादा ध्यान से करना है. जब आपके पहले 3 ही क्वेश्चन कोई देखेगा उसके बाद लंबे 1-2 देखेगा तब तक इम्प्रेशन हो जाएगा. तो लोग तुम लोग क्या सोच के ये बाद में करते हो? रीजन क्या उसका? मैम पहले 5 मैं पहले कर लेता हूँ, फिर जो सिलेक्ट वाले होते हैं वो कर लेता हूँ, फिर जो सेकंड सेक्शन के 5 होते हैं मैं वो बाद में करता हूँ. उसके पीछे का रीजन ये है, इन केस अगर मुझे टाइम क्रंच होगा पेपर में तो मुझे लॉस 10 नंबर पर होगा. हां मतलब बहुत ये बात में करते हैं. बहुत सारे बच्चे एथिक्स में केस स्टडी में पहले पास जाते हैं, थ्योरी बात में करते हैं. नहीं, आपको तो पेपर भी खत्म करना है. फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे जाइए. ये लेकिन लिख क्या रहे? पिवट पार्ट ऑफ द मॉडर्न. अब जब एग्जामिनर के सामने तुम बैठे हो तब तो बता पाए तुम्हारा आंसर कि लिखा क्या है. पिवट ऑफ मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्रोपाउंडेड बाई. ये बॉक्स बॉक्स किसने सिखाया है? अंडर द इन्फ्लुएंस बॉक्स और नॉर्मन वाला नाम जब आता है या कोई तो कीवर्ड अगर है जैसे सिस्टम्स अप्रोच. थोड़ा मैच्योर रहो ना. क्यों ये सब करना? इट इज साइंटिफिक वेरिएबल मैट मॉडल विच कंसीड्स पॉलिटिकल सिस्टम टू बी इनपुट टू आउटपुट. First provided by who called it vague, broad and complicated. Marxist, अगर तुम इतना अंडरलाइन नहीं करते तो भी शायद पढ़ने वाला पढ़ लेता. अंडरलाइन करने से दिक्कत नहीं होती है पढ़ने वाले को? होती है. डिपेंडेंसी स्कूल पोस्ट बिहेवियरलिस्ट डिमांडेड सच अप्रोच टू इंक्लूड. सब कुछ मत लिखो, तुम्हें बहुत सारा आ रहा है. यू कैन गेट बेटर मार्क्स विद द थिंकिंग.
ये सब तुम्हें याद है, लेकिन अगर आपको इतना सारा आता है तो आपको फिल्ट्रेशन करके कीप इट सिंपल, ठीक है, और इजी टू रीड शॉर्ट सेंटेंसेस, कोर टॉप कोर थिंग्स थीम्स आप इसमें लिखिए, कोर चीजें आपने ये लिखा ठीक है, लेकिन ये भी और ये यहीं से चालू हो जाता है ज्यादा अच्छा हो जाता है। कोई होता यहाँ ये सब टाइम वेस्ट करने से अच्छा सिस्टम्स अप्रोच का मॉडल बना देता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, इस ये भी लाइन आप बचा लीजिए, सीधे ही बता सकते हैं ट्रेडिशनलिस्ट क्रिटिसिस्ट मार्क्सिस्ट वेयर इंस्पायर्ड बस स्टेटस क्वेस्ट नॉन यूनिवर्सल, इतना अच्छा तो तुम्हें कंटेंट है, इट परवेट द इंटरेस्ट ऑफ बुर्जुआ एंड कैसिडी, ये एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, शॉर्ट में इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोचेस नहीं इसमें नहीं चाहिए, आप बस ये कह सकते लेटर ऑन एलमंड एंड पॉवेल हैज डेवलप द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी तुम्हारे आंसर में कुछ चीजें नहीं होती तो आपका आंसर ज्यादा अच्छा होता। Content wise very good, your ability to relate things is good, you know what is to be written, लेकिन आप थोड़ा extra लिख रहे हो उसको cut करो है, क्योंकि फिर paper नहीं होगा और साफ सुथरा करके लिखना है, your understanding is properly correct, अगर ये चीज नहीं होती poor behaviorist ये केवल ये होता तो तुम्हें अच्छे खासे 70% मार्क्स मिल जाते इसमें। हम तो ये कह रहे इतना तुम्हें याद ही है, बहुत बड़ी बात है, इतना कहाँ हो याद हो रहा है, लिंक भी कर रहे हो। एक्स्ट्रा लिखने से ड्रॉप होगा, कम लिखने से नहीं होगा, लेकिन कम में भी फोर पॉइंट लिखना है। सेम आंसर यू कैन राइट मच बेटर विद द नॉलेज यू हैव। कमेंट ऑन रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अब ये सब कौन पढ़ेगा, कौन सी भाषा है, क्या है ये, कंपेयर्स डिफरेंट, ये तो जोइश भाषा लग रही है, क्या है ये, कंप्रेस डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन, कंपेयर्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कंपेयर्स डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल इकोनॉमी को ही कंपेयर करती है, इससे क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट लैक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और फेल टू डिफाइन, political economy is a branch in political science and also an approach in political science to study and compare the economic policies, तुमने लिखा है लेकिन तुम जबरदस्ती की चीजें और लिख देते हो, restrict the temptations, restrict neat clean रेलिवेंट टू द पॉइंट, जिसके बिना काम चल रहा है वो हटाना है, कंफ्यूजन्स नहीं, आई डोंट वांट इन एडमिनिस्ट्रेशन अ कंफ्यूज्ड पर्सन, एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट कम्युनिकेशन, ओके, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट मे बी ट्रेस बैक टू एडम्स, दिस अप्रोच हैज immense practical relevance, interface है, it identifies, ये भी सही है, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम बस सुधर जाओ थोड़ा सा, it fits into the idea, economic analysis, साफ साफ पढ़ने में आ जाए ना, this is good answer, pin down करो,
डायनेमिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट. सोशल मूवमेंट में भी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंजेस इन द स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स. डायनेमिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर आइडेंटिटी. दे आर पता नहीं क्या कॉमनलिटी. दे हैव कॉमनलिटी अब सोशल मूवमेंट डायनेमिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट मतलब सोशल मूवमेंट को डायनेमिज्म क्या प्रोवाइड करता है. आइडियोलॉजी लीडरशिप. हर क्वेश्चन ऐसा होता है जो कोई थिंकिंग को डिमांड करे तो बिल्कुल ऑटो पायलट मोड में नहीं लिखो. सोचो सोशल मूवमेंट अ कलेक्टिव बिहेवियर with the purpose of change etc. then social movement itself is reflecting movement. the reason for the movement can be objective leadership. ठीक है और क्या बताया था मैंने. ideology प्लस डायनेमिक्स. डायनेमिक्स मतलब क्या हुआ. सोशल मूवमेंट इमर्ज इट रीचेस टू अ पीक इट कम्स डाउन. थोड़ा ओरिजिनल थिंकर बनिए. ओरिजिनली इसको आप जीएस का आंसर समझ के लिखिए. इसी में आपको सोशल मूवमेंट में कोई थिंकर पता है हैबरमास पता है मार्क्यूज़े पता है वो लिख दीजिए. लेकिन पहले बिल्कुल जीएस समझ के लिखिए कि अगर मेरे से पूछा जाए डायनेमिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट मतलब सोशल मूवमेंट को इवॉल्व करने की क्या प्रक्रिया है. सोशल मूवमेंट राइज कैसे होता है फॉल कैसे होता है. ठीक है तो पहले खुद को बिल्कुल ऐसे सोचो ही नहीं कि ये पॉलिटिकल साइंस है. पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज है. आप सोशल मूवमेंट्स को एक जेनरिक सेंस में कैसे कैसे समझ सकते थे. उसके बाद उसमें कोई थिंकर विंकर फिट हो जाए तो डाल दो. थिंकर से मतलब प्रभावित होके मत लिखो. उससे क्या होता है योर ओरिजिनल एबिलिटी टू थिंक ऑन समथिंग गोज. तो फिर क्या होता है कभी फ्लो नहीं बनता कभी रेलिवेंस नहीं बनता है? तो जो आपने पढ़ा है वो रॉ मटेरियल है लेकिन उसे एज इट इज नहीं यूज करना है. मैम सोशल मूवमेंट वाले मैंने भी मैं बस पकड़े जाए करना चाहूंगा कि भी वैसे नहीं लाता है वो सारा. देखो अभी इन टाइप में बताते हैं. जैसे सोशल मूवमेंट में भी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट इतना इन्होंने अच्छा लिख दिया. डायनेमिक्स आर प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर आइडेंटिटी एज अ कलेक्टिव एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे आप फंस गए यानी कि आप डायनेमिक्स को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कैच नहीं कर पाए कि डायनेमिज्म क्यों आता है क्या क्या फैक्टर्स रिसोर्सेज हो सकता है. अगर रिसोर्स नहीं होगा तो वो फिटर आउट कर जाता है. आइडियोलॉजी नहीं हुई तो वो कर जाएगा. तो ये डायनेमिक्स है. और डायनेमिक्स क्या हो सकता है. एक सोशल मूवमेंट दूसरे मूवमेंट्स को राइज कर सकता है. रेनेसा रिफॉर्मेशन ने दूसरे मूवमेंट को राइज कर दिया. तो ये क्वेश्चन तब आप सोच पाएंगे जब आप इंडिपेंडेंट होके सोचोगे तब रेलिवेंस में सोचोगे. उस रेलिवेंस में आपको जो लगे वो कर दो. हाँ ये उससे क्या होता है कि मेहनत वेस्ट जा रही है आपको पता है. लेकिन आप यूपीएससी को तो ओरिजिनल लोग चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए ओरिजिनल थिंकर चाहिए. हर चीज को ओरिजिनली देखिए एक स्ट्रक्चर बनाइए कि आई विल इंटरप्रेट डायनेमिक्स इन दिस दिस वे. इसमें कुछ आता है तो ऐड करना. दीज मूवमेंट्स अभी क्या लग रहा है अभी कोई भी को ये इम्प्रेशन लगेगा कि इसे बहुत आता है लेकिन इसे पता नहीं है. यू आर राइटिंग मतलब यू आर राइटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग. कम से कम बहुत दिन बाद एक ऐसी कॉपी है जिसमें रेलिवेंट तो लिखा है. डायनेमिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ये क्या है. तुम साथ में
फोन नंबर भी लिख देना कि जहां नहीं समझ में आए प्लीज कॉल मी। तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा खासा हो जाएगा। शुरू के क्वेश्चंस ढंग से लिख दो, इतना थोड़ी बच्चों को याद होता है। लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म हैज शेप्ड द फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स। ठीक है, तो स्वतंत्र होके सोचिए, लॉजिक ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। हम स्वतंत्र होके सोचेंगे, हम हमेशा आंसर इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। तो वेलफेयर स्टेट मीन्स द स्टेट टेकिंग केयर ऑफ द पुअर्स। पहले हम उसे डिफाइन कर देते हैं, फिर हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं। वेलफेयर स्टेट इमर्ज्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन इट बिकेम इतना। नेक्स्ट, वेलफेयर स्टेट इज कंसिडर्ड एज प्रो पीपल, प्रो पुअर, बट द कैपिटलिस्ट्स विल से लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म इज शेपिंग, वेलफेयर स्टेट इज कमिंग टू प्रोटेक्ट द कैपिटलिज्म फ्रॉम कोलैप्स। अब लॉजिक ऑफ कैपिटलिज्म में मान लो, अब हमें सेट दिमाग में लाना है थ्योरी कौन सी आएगी, तो हम इसमें हैबरमास का लेजिटिमेशन क्राइसिस की थ्योरी लिख देंगे। अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद थ्योरी लिख दो। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड्स, ऐसे इंट्रोडक्शन इसमें नहीं चलेंगे 10 मार्क्स में है। एरिस्टॉटल रिगार्डेड स्टेट, तो इसका मतलब क्या है कि 10 मार्क्स का पर्पस ही है इंसान कोर जाने। अब तुम पेरिफेरी पे इतना टाइम शुरू में ही ऐड कर रहे हो। ओके, यहां से करना चाहिए था, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट वॉज बॉर्न, यहां से अच्छा है, ये सब सही है। लेकिन इसमें आप उसको भूल गए, हैबरमास। इफ यू विल राइट लेस यू विल राइट मोर इम्पोर्टेंट। एंड पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन अब हम यहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक बात कर रहे हैं, तो हम ये डिफाइन करेंगे कि सिक्योरिटी, यूएन टेक सिक्योरिटी इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक थ्री पिलर्स हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मेन इंस्टीट्यूशन इकोसॉक हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसी यही तो एक्चुअली यूएन का फिर भी सक्सेसफुल एरिया है। यूएन जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर कोई भी चीज होती है परफेक्ट नहीं होती है। तो lack of resources, lack of coordination, even ecosoc needs to be reformed, multiplication of the bodies, है ना? तुम्हारा क्या social science है background? तभी तुम लिख पा रहे हो इसकी। क्या किया आपने? Economics. क्योंकि आप लिख पा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा चांस है। आप ये सब तुम्हें पता था थर्ड कमेटी में देख के? नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। इफ यू नो दिस, दिस इज वेरी गुड। वेरी नाइस। बस ये सब थोड़ा जैसे हम आईआर में ही पूछ रहे हैं ना, तो इतना बेटी फ्रीडन विडन ज्यादा नहीं। नहीं, बिकॉज इसी में बहुत हम इसमें उसको लिख सकते हैं ना, वेयर आर द वुमेन वाली, एंड जे टिकनर, इन लोगों को लिख सकते हैं। तो इतना ज्यादा इंट्रोडक्शन देके कोई इरिटेट होता है? ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट असर्शन इन द रियल्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फेमिनिज्म ये तो आपने कर दिया, वन इज नॉट बॉर्न वुमेन, ये ठीक है। लेकिन फिर फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म एम्स एट, एक जेनेरिक डेफिनेशन दे दीजिए, एम्पावरमेंट। फिर फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ रिजल्ट ऑफ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डेवलप्ड बाय द मेन, ऐसे मतलब तुम दो पॉइंट जल्दी आओ।
ये पार्ट पे इतनी जरूरत नहीं है। फेमिनिज्म जो है वो क्रिटिकल थ्योरी है और रिफ्लेक्टिव थ्योरी है। आई थिंक आपका अच्छा ही है इफ यू कैन मेंटेन, और आप इसको बोल बोल के डोंट गेट कंफ्यूज, यू आर ऑन द वेरी गुड ट्रैक आई वुड से। और प्रैक्टिस थिंकिंग 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 करिए, राइटिंग साफ सुथरी रखिए, और GSES को भी इग्नोर ना हो, है ना। यहाँ पे आपको दिखाना है एथिक्स वेथिक्स का, तो शुभांशु इनका नंबर ले लो या इनको दे दो, इग्नोर से तो कर लो। आई थिंक यू हैव अ गुड चांस, बिल्ट अप करिए ठीक है। बीच बीच में जैसे आते हो एक दो दिखा देंगे। थैंक यू।